हमने एक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिया है जिसका नाम है लिव अगेन लिक्विड एंड लिव अगेन कैप्सूल्स। ये दो वेरिएंट में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में भी है और एक कैप्सूल्स के फॉर्मेट में भी है। इसका नाम हमने लिव अगेन क्यों रखा, क्योंकि आपके लिवर को फिर से अच्छा करता है, लिवर को फिर से जीने की एक इच्छा देता है। लिवर अगर काम नहीं करता है बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आज हम सबके बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल में आज हम बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यही है माय डियर फ्रेंड इस ट्रेनिंग की कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर पाते हैं। अब बात करते हैं लिवर होता क्या है। जैसे अगर बात करें लिवर को कहते हैं जिगर का टुकड़ा, मतलब लिवर हमारी बॉडी में बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लिवर को सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला जाता है। हमारी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है, स्किन है, वो पूरे बॉडी को कवर करती है। और स्किन के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गन बोला जाता है वो आपका लिवर है। और कहते हैं लिवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा काम करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने सारे काम करता है तो कितना बिजी रहता होगा, इसलिए 24 घंटे हमारा जो लिवर है वो काम करता रहता है। और लिवर जो है उसका जो वजन है, जो वेट है, वो लगभग 1 से 1.5 kg तक लिवर, एक फुटबॉल के साइज का आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में एक लिवर रखा जाता है। आप इसको ये कह सकते हैं लिवर एक ऐसी फैक्ट्री है दैट वी कैनॉट अफोर्ड टू शट डाउन। एक ऐसी फैक्ट्री है हमारी बॉडी में जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो शट डाउन हो, वो बंद हो, क्योंकि अगर लिवर बंद हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे कि इतना क्या है इंपॉर्टेंट इस लिवर में। सबसे पहले लिवर को सारे ऑर्गन, सारे जो अंग है हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स हैं, सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसका किंग बोला जाता है, उसका राजा बोला जाता है। क्यों? आप जो भी खाना खाते हो लिवर उसको तोड़ने में, उस खाने को तोड़ने में और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में, आपको पौष्टिक तत्व प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, ये आपका लिवर है, स्क्रीन पे आप देखेंगे ये आपका लिवर है। लिवर में एक चीज बनती है जिसको हम बाइल कहते हैं। ये जो बाइल है ये आपके लिवर से निकलता है और आपके खाना जो है आपके पेट में गया, पेट से ये खाना पचकर आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, लिवर से ये बाइल निकलता है और आपकी छोटी आंत में चला जाता है। और ये जो बाइल है वो आपके खाने में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, जब आपका फैट अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पचता है, आपने मैंने पहले भी आपको बताया था हमारे खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर चीज की जरूरत होती है, तो फैट को पचाने वाली जो एंजाइम्स होती है वो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है आपके मसल्स की जो कोशिकाएं हैं, टिश्यू है, वो अच्छी बनती है, आपके हार्ट के टिश्यू अच्छे बनते हैं, आपके ब्रेन के टिश्यूज अच्छे बनते हैं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में लिवर इस तरीके से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मैं नहीं बोलूंगी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। दूसरी चीज क्या है, लिवर ना बहुत सारी चीजें करता है। लिवर एक पूरी फैक्ट्री समझ लीजिए। एक फैक्ट्री में क्या होता है, चीजें बनती भी है, टॉक्सिक चीजें भी बनती है, उसको भी बॉडी फैक्ट्री से बाहर निकालना पड़ता है। लिवर बहुत सारे काम करता है। आप जब खाना खाते हैं उसको तोड़ने का भी काम करता है, पचाने का भी काम करता है, और जो खराब चीजें होती है वो बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। जैसे आप जब कोई खाना खाते हैं उसमें कोई टॉक्सिक चीजें गई, पेस्टिसाइड गया, आपने ड्रिंक ज्यादा करा या आपने कोई दवाई खाई है, मेडिसिन खाया है, ये सारी चीजें आपके लिवर से होके ही आपके शरीर में जाती है। तो लिवर क्या करता है, अच्छी चीजों को रख लेता है, जो खराब चीजें होती हैं वो आपके या तो स्टूल या तो आपके जो यूरिन है उससे बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो आप ये समझ लीजिए अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो टॉक्सिक चीजें जो है आपके लिवर में जमा होने लगेंगी और आगे चल के बीमारियां होने लगेंगी। आगे बात करें, लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बनाना। अब कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं तो बहुत लोगों को लगता है अरे कोलेस्ट्रॉल तो खराब चीज है। माय डियर फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत जरूरी चीज है, आपका बॉडी उतना ही बना रहा है जितना उसको जरूरत है। लेकिन जब बाहर से नॉनवेज ऐसी चीज खाते हैं तो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम देखा जाता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा बॉडी छोटी मात्रा में बनाता है, आपकी हर एक कोशिका की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो लाइनिंग होती है, उसको बनाने में कोलेस्ट्रॉल जरूरत होता है। आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन बनाने में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कौन बनाता है, लिवर बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिवर कितनी जरूरी चीज करता है। और लास्ट में लिवर ना एक मास्टर गेट है, मतलब आप जो भी खाते हैं जो है वो आपके लिवर से ही होके बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे आपने खाना खाया, पहले वो पेट में गया, पेट से आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे जो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत, उस खाने में से
पौष्टिक तत्व जो होता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है और आपके खून में छोड़ देती है। वो जो खून है वो आपके लिवर में जाता है, लिवर उसमें से अच्छी चीजें रखता है, खराब चीजें बॉडी से बाहर निकाल देता है, अच्छी चीजें आपके बॉडी के हर एक भाग में भेज देता है। मतलब क्या है कहने का, लिवर एक ऐसी चीज है, आप जो भी खा रहे हैं जो भी पी रहे हैं सब कुछ लिवर से होते ही आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसलिए लिवर है जो बहुत सारे काम करता है। बात करें, बहुत सारी चीजें आपके लिवर को डैमेज भी कर देती हैं, जैसा फास्ट फूड। जब हम बाहर का ज्यादा खाते हैं जिसमें ऑयल ज्यादा है या चीज वगैरह ज्यादा, पिज्जा बर्गर ये सारी जो चीज, ये वो फैट कंटेंट में बहुत हाई होती है, तो आगे चलकर आपके लिवर में फैट जमने लगता है, जिसको हम आगे चलकर फैटी लिवर भी कहते हैं। दूषित पानी, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, अगर आपका पानी साफ नहीं है तो बहुत सारे लोगों को आगे चलकर लिवर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ई, ये आपके दूषित पानी या दूषित खाना खाने से देखा जाता है, तो ये भी लिवर प्रॉब्लम लेकर आता है। स्ट्रेस का भी एक रिलेशन है आपके लिवर डिसऑर्डर से, जब हम बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका लिवर जो होता है उसका फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा, पेट में खाना गया अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपकी छोटी आंत अच्छे से खाने को न्यूट्रिशन को नहीं ले पा रही है, तो खराब चीजें आज आपके ब्लड में जाएंगी और खराब चीजें लिवर में जाएंगी तो लिवर को भी डैमेज करने लगती है। तो कारण बहुत सारे हैं जो आपके लिवर को खराब करते हैं। आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लिवर जल्दी खराब होता है। जब आप ज्यादा स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, खासकर जो स्मोकिंग भी होती है उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिवर को डैमेज करती हैं। ज्यादा हम जब ड्रिंक करते हैं तो भी हमारे लिवर को डैमेज करता है। और एंटीबायोटिक, बहुत सारे लोगों की आदत होती है थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, बहुत सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वो खाना स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा, ये सारे जो आप मेडिसिन खा रहे हैं ये सब कुछ आपके लिवर से ही होके आपके बॉडी के हर एक भाग में जाता है। तो लिवर, जब आप ज्यादा मेडिसिन खाते हैं तो लिवर पे भी ज्यादा वजन पड़ रहा है, लिवर पे भी ज्यादा उसको काम करना पड़ रहा है, और अगर लिवर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी चीजें आपके लिवर में जमने लगती है, आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए लिवर क्या करता है, लिवर को अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो लिवर आपको छोटे मोटे सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। सिम्टम मतलब आपको कुछ लक्षण दिखाना स्टार्ट करेगा कि मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, आप थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है ना माय फ्रेंड कि हम इस पर ध्यान नहीं देते। कौन कौन से सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स ध्यान से समझिएगा, मार्केट में लोग आपको ये सिम्टम्स भी बताते हैं। पहला सिम्टम है नौजिया, मतलब जी मचलता है, उल्टी जैसा लगता है, खट्टी रकारें आ रही हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख ना लगना, अगर आपको भूख अच्छे से नहीं लग रही है तो ये भी एक लक्षण होता है। कुछ तीखा होगा, खाते नहीं है तो जो उनकी मदर होती है वो उनको मार मार कर खिलाती है। क्यों, बच्चे ने बाहर कुछ खा लिया, कुछ खाने में इन्फेक्शन है, लिवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे की भूख कम हो जाती है और हमें लगता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। स्टूल में भी चेंजेस देखे जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो स्टूल के कलर भी ज्यादा आपको येलो होने लगेंगे, ऐसी प्रॉब्लम अगर ज्यादा देखी जा रही है तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका जो लिवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। क्यों होती है, जैसा मैंने आपको बताया, जब आपकी छोटी आंत पौष्टिक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती है, खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, आपके खून तक पहुंचा देती है, वो खून आपके लिवर में जाता है, लिवर अच्छी चीजें रख लेता है, खराब चीजें बाहर निकालता है। अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो खराब चीजें भी आपके ब्लड में छोड़ देगा। जब आपके ब्लड में पौष्टिक तत्व तो नहीं जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो खराब दिखने लगेगी, ड्राई होने लगेगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। आपके यूरिन का कलर बहुत पीला आता है। अगर किसी के, देखिए नॉर्मली जो मॉर्निंग का यूरिन होता है वो मैक्सिमम सबका हल्का येलो होता है, लेकिन अगर दिन भर यूरिन का कलर पीला आ रहा है, मतलब लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बॉडी ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स आपको सिग्नल देने के लिए करता है कि हम उस पर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों को पेट में हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक सिम्टम देखे जाते हैं। बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, ज्यादा खाते पीते नहीं है लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है, तो ये भी एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है कि आपका जो लिवर है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और लास्ट में, जो आपका खाना ही अच्छे से नहीं पच रहा है, आपके बॉडी में हर एक भाग में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको एनर्जी नहीं फील होती, आप बहुत थकावट महसूस करते हैं, थके थके महसूस करते हैं। बात करें लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है। स्लगिश या फैटी लिवर, स्लगिश लिवर पे बहुत सारे लोगों को नौजिया हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। और जो बहुत ज्यादा ऑयली या तेली चीजें खाते हैं, फैट वाली चीजें खाते हैं, तो आपके लिवर में वो जमने लगता है। आपको बताएं, बहुत सारे लोगों को आज फैटी लिवर का प्रॉब्लम है।
लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नॉर्मल अपना टेस्ट रेगुलर करवाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। जब हम ज्यादा ऐसी चीजें खाने लगते हैं तो लिवर का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसको हम एनलार्ज लिवर कहते हैं। हेपेटाइटिस, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस भी प्रॉब्लम के आगे आपको टाइटस दिखे, मतलब टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, उस जगह पे सूजन हो गई है, तो आपका जो लिवर है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन हो गया है, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो जो लिवर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। जॉन्डिस भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, आपने देखा होगा जॉन्डिस में बहुत सारे लोगों की आंखें पीली हो जाती है, स्किन पीला हो जाता है, नेल्स पीला हो जाता है, ये भी एक सिम्टम देखा जाता है आपको लिवर के डिसऑर्डर में। ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, लिवर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो मरने लगती है, सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर का कैंसर भी देखा जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ड्रिंक करने से लिवर खराब होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, ज्यादा ड्रिंक भी नहीं किया और तो भी लिवर खराब हुआ है, जिसको हम नैश कहते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में देखी जा रही है, जो ड्रिंक नहीं करते लेकिन तब भी लिवर की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए अगर बात करें, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है 2015 की। 2015 में एक न्यूज़पेपर में आया था कि इंडिया में 250,000 लोग ऐसे हैं जो लिवर फेलियर से हर साल मर रहे हैं, और बात करें 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको हर साल लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो रही है और वो अपना नहीं करवा पा रहे लिवर ट्रांसप्लांट, बिकॉज बहुत ये महंगा हो जाता है, तो सारे लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बोला जाता है हर 5 लोगों में से एक को लिवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है, हर 5। आज बहुत सारे लोग, आज हजारों लोग हमसे आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, हर 5 में से किसी को नौजिया हो रहा है, किसी को खट्टी डकारे आ रही है, किसी को नींद नहीं आ रही है, हर 5 में से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन बात करें मार्केट में इसका क्या सोल्यूशन है, मार्केट में इस पे कोई भी ऐसी दवा नहीं बनाई गई है जो 100% आपको इफेक्ट दे और लिवर की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे। और बहुत सारे केसेस में क्या किया जाता है, आपको लिक्विड डाइट सजेस्ट किया जाता है। लिक्विड डाइट का मोटो यही रहता है कि बॉडी को डिटॉक्स, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर कर देगा, तो आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में शुगर केन के जूस, जो गन्ने का जो जूस होता है शुगर केन, वो भी रिकमेंड किया जाता है। बहुत सारे जो फिजिशियन है आज वो लिवर की प्रॉब्लम में नॉर्मली विटामिन्स वगैरह देते हैं कि आप विटामिन वगैरह खाएंगे तो लिवर को अच्छा रखने में मदद करेगा, लेकिन इसका कोई ऐसा रोल नहीं अभी तक प्रूव हुआ है कि लिटरली विटामिन लेकर आप अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे विटामिन मार्केट में आते हैं, उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। और बात करें आजकल तो बहुत सारे एलोपैथिक जो फिजिशियन हैं वो भी आज आयुर्वेदिक जो लिवर के ऊपर दवाइयां मार्केट में वो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें माय फ्रेंड एलोपैथ में लिवर के ऊपर कोई खास मेडिसिन, वो आपको कुछ विटामिन्स ही सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आयुर्वेद में 70 जड़ी बूटियां हैं जो लिवर मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हैं। उसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, आयुर्वेदा के साइंस को, आयुर्वेदा की गुडनेस को यूज करके हमारी कंपनी ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम है लिव अगेन लिक्विड एंड लिव अगेन कैप्सूल्स। तो इसको याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज है जो मैं आपको भूल गई बताना, आज जो भी हम नॉर्मली जो हम ट्रेनिंग भी करते थे तो भी हम लोगों को ये चीज बोलते थे कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, फोटोज खींचना अलाउड नहीं है। आज भी मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी, जो ट्रेनिंग्स हो रही है ना वो आपके लिए हो रही है, आपको ये रिकॉर्ड करके या इसकी स्लाइड्स किसी सोशल मीडिया यूट्यूब पे आपको डालना ये अलाउड नहीं है, तो ये प्लीज नहीं करेंगे। जिन्होंने भी ऐसा किया है वो प्लीज उसको डिलीट कर देंगे, तो ये अलाउड नहीं है। ये हार्वेस्ट की प्रॉपर्टी है और हार्वेस्ट ये नहीं चाहती है कि इसके जो डेटा है वो कहीं पे भी जाए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन कंपनी लेकर आई है। तो चलिए आज हम लिव अगेन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लिव अगेन जो है वो आपके स्लगिश लिवर और फैटी लिवर पे काम करता है। जिन लोगों को भी स्लगिश लिवर का प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आ रही है, भूख नहीं लग रही है, या लिवर का साइज जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, फैट बहुत ज्यादा जम जाने की वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है, पाचन क्रिया जो है वो स्लो हो जा रही है। अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, आगे मैं बताऊंगी किस किस चीजों में ज्यादा इफेक्टिव है हेपेटाइटिस का, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो बहुत सारे तरीके का होता है, ABCD, बहुत अलग अलग तरीकों के हेपेटाइटिस देखे जाते हैं, तो हेपेटाइटिस में भी इसके अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं।
आपके लिवर के फंक्शन को नॉर्मल करने में मदद करता है। मैंने आपको बताया लिवर 500 से ज्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में करता है, तो उसको नॉर्मल करने में भी लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। याद रखिएगा लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, मैंने बताया आपके खाने में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसीलिए अगर आपका लिवर अच्छा नहीं होता है तो वेट गेन के भी चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। और आपके भूख को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो आपके फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे काम करते हैं, तो उनको भी अच्छे से बनाने में मदद करता है। और लिवर का साइज अगर बड़ा हो गया है तो उसको नॉर्मल करने में वो हेल्प करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रोडक्ट है लिव अगेन। बात करें लिव अगेन में ऐसा है क्या जो मार्केट के प्रोडक्ट से इसको बेहतर बनाता है, तो आपको पहले से भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बताया माइंड फ्रेंड, हमारी कंपनी का टारगेट ही यही है मार्केट से कुछ हटकर प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारे एक एक प्रोडक्ट के जो कॉम्बिनेशन है आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। इसमें क्या खास है, इसमें दो ऐसे सुपर स्टार हर्ब डाले गए हैं जो आपको मार्केट के किसी भी लिवर टॉनिक में नहीं मिलेंगे। एक है रेवनचिनी और दूसरा है कालमेघ। इस चीज में आपको क्या याद रखना है, आपको लिव अगेन में क्या याद रखना है, रेवनचिनी और कालमेघ, यही आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा याद रखनी है। रेवनचिनी की अगर हम बात करें, रेवनचिनी के ऊपर हमने बहुत सारे ह्यूमन स्टडीज भी किए हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लैब्स में भी किए हैं, जिसमें ये देखा गया कि रेवनचिनी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई के वायरस को खत्म करने में, रिमूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बता दूं माय फ्रेंड, हेपेटाइटिस बहुत सारे तरीकों का होता है। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो एक वायरस के इन्फेक्ट होने से, हमारी बॉडी में इन्फेक्ट होने की वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस बी और ई, और ई किससे होता है, जब आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो खराब है या उसमें किसी कंटामिनेशन हुआ है किसी वायरस या मतलब कोई भी चीज उसमें अटैक की है, कोई खराब चीज आपकी बॉडी में जब जाती है खाने या पीने से, तो हेपेटाइटिस बी की चांसेस देखे जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को आपको पता है हेपेटाइटिस बी है, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है। तो हेपेटाइटिस बी और ई के वायरस को खत्म करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, जॉन्डिस के मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जॉन्डिस अगर किसी को हुआ है तो उसके भी प्रिवेंशन में, मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नॉर्मली जॉन्डिस के बाद बहुत सारे लोगों की जो भूख होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है, तो ये भूख को नॉर्मल रखने में मदद करता है। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आपका खाने का मन करेगा, तो आपकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, उसको नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखते हैं, सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, रेवनचिनी आज से नहीं, बहुत सालों से आयुर्वेदा में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसको हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी इसमें बोली जाती है। इसका मतलब आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने वाली सारी जो प्रॉपर्टीज है इसमें पाई जाती है। इसीलिए अगर बात करें, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये मल्टीपल तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है, तो ये आपके लिवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लिवर को भी अच्छा रखने में मदद करता है। बात करें, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है इसमें, कि ये जो हमने सुपरस्टार हर्ब डाला है हमारे लिव अगेन में, ये जो सुपरस्टार हर्ब है मार्केट के किसी भी लिवर टॉनिक में आपको ये हर्ब नहीं मिलेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट का एक सुपरस्टार हर्ब है। दूसरी चीज, इसमें रेवनचिनी जो डाली गई है वो भी लिव अगेन का एक सुपरस्टार हर्ब माना जाता है। क्यों? ये लिवर डिसऑर्डर्स का एक स्पेशलिस्ट माना जाता है, और ये आज से नहीं, हजारों सालों से लिवर के प्रॉब्लम्स पे उसको ठीक करने में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में भी कालमेघ बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में भी इसके अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस के वायरस को मारने में भी उस पर भी काम करता है, उस पर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए हमने आपका रेवनचिनी और कालमेघ को एक साथ जब डालते हैं तो बहुत ही सिनर्जिस्टिक वे में काम करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिवर पे वर्क करता है। बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल करने में, लो करने में मदद करता है। जब भी आपके बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो बॉडी अपना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल करने में हेल्प करता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में मदद करता है। तो कालमेघ आपकी इम्यूनिटी पे भी बहुत ज्यादा काम करता है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाया जाता है। मतलब जैसा हम सबको पता है, आपका जो लिवर है वो आपके शुगर को कंट्रोल करने में, शुगर मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि लिवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो आपके लिवर जो होता है वो स्टोर करके, जमा करके रख लेता है। तो अगर आपका कभी किसी का बहुत ज्यादा शुगर का जो प्रॉब्लम है, अगर शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कम करने की प्रॉपर्टी कालमेघ रखता है। आगे बात करें,
हमारी बॉडी में टॉक्सिक टॉक्सिक चीजें घुसने का बहुत सारा तरीका है. जब आप सांस लेते हैं तो भी जाता है, स्किन के थ्रू जाता है, आपके इंटेस्टाइन, खाने में आपने कुछ खाया उसमें कोई पेस्टिसाइड्स है, कोई भी ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है. बाहर कैसे निकलता है, आपके स्टूल के थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है, आपके पसीने के थ्रू निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकलता है. लेकिन अगर ये टॉक्सिक जो चीजें हैं वो बॉडी से अगर टॉक्सिन नहीं बाहर निकल पाता है, आपके लिवर में जमा हो जाता है, आपके जोड़ों में जमा हो जाता है, मसल्स में, खून में, तो ये कालमे की प्रॉपर्टी है ये बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो अगर टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा तो आपकी जो लिवर है वो भी स्ट्रांग रहेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, आपको पता है आज के टाइम पे, अभी जो टाइम चल रहा है, काल में बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. और जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में है जिसमें काल मेघ है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है अगर हम काल मेघ हमारे इस प्रोडक्ट में एक सुपर स्टार हर्ब के तरीके से डाला गया है. इसमें हमने और भी बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं, सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें रेवेंचिनी और आपको काल मेघ याद रखना है. इसमें हमने और भी बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं जो क्या करता है, आपके लिवर के सेल्स को रीजेनरेट करता है. याद रखिएगा, लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अपने सेल्स को रीजेनरेट कर सकता है, फिर से बना सकता है. तो अगर लिवर को प्रॉपर टाइम मिले और सही उसको न्यूट्रिशन मिले, सही चीजें मिले, तो लिवर अपनी जो डैमेज कोशिकाएं हैं, जो खराब चीजें हैं, उसको फिर से बनाने की क्षमता रखता है. लिवर अपने फंक्शन को, ये इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जो लिवर के फंक्शन को नॉर्मल रखने में मदद करती हैं, आपके भूख को बढ़ाती है, आपके पाचन क्रिया को अच्छा करती है. और काल में आंवला और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं वो लिवर के साइज को नॉर्मल करने में मदद करती है. जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे लिवर का साइज एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और आपको पता है हमारी बॉडी में हर दिन कोशिकाएं बनती हैं, मरती हैं, अच्छी होती हैं. तो आपके लिवर जो है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं, लिवर डैमेज क्यों होता है, क्योंकि इसके सेल्स जो होते हैं वो मरने लगते हैं. तो ये इसमें कुछ जड़ी बूटियां जो क्या करती हैं, जो सेल्स हैं उसको मरने से बचाती हैं, उसको रीजेनरेट करने में हेल्प करती हैं. और लिवर का आप ये समझ सकते हैं प्रॉपर सर्विसिंग जो होता है ना, वो हमारा ये लिव अगेन करता है. इसीलिए ये जो हमारा कैप्सूल्स है इसके ऊपर कुछ खास पॉइंट्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. वो क्या है, हमारे कैप्सूल्स में जो पाउडर डाले गए हैं वो बहुत ही पोटेंट हर्ब्स, ऐसे हर्ब्स का पाउडर डाला गया है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज करता है. मतलब जब आप ये लिवगेन का कैप्सूल लेते हैं तो जो सेल्स हैं उसको रीजेनरेट करने में मदद करता है, अगर कोई वायरस है तो उसको मारने में मदद करता है, कोई इंफेक्शन हुआ है उसको खत्म करने में मदद करता है, आपके लिवर को ना स्टिमुलेट करता है. जैसा मैंने बताया लिवर बाइल बनाता है तो उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. आगे बात करेंगे, इसमें हमने 14 ऐसे हर्ब्स का उसको ट्रीचुरेट करके डाला है. अगर आपको याद होगा हमने इम्यूनो 3 प्लस में गोटा लगाना, ट्रीचुरेशन, हमने ये वर्ड सुना था. ये एलिमेंट वेलनेस का एक बहुत ही खास तरीका है, ट्रीचुरेशन प्रोसेस, जो जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हर्ब्स इसमें डाले जाते हैं वो बहुत इजिली आपका बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है. और जिस ऑर्गन के लिए प्रोडक्ट बनाया गया, जैसे ये लिव अगेन लिवर के लिए बनाया गया, तो ये जो सारे हर्ब्स है वो आपके टारगेटेड ऑर्गन पे काम करते हैं, उसकी कोशिकाओं पे काम करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई लिवर के ऊपर प्रोडक्ट नहीं है. मार्केट में जो भी लिवर के ऊपर प्रोडक्ट है ना, वो क्या करते हैं, उस पर बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल देते हैं और बहुत ही कम लोड डोजेज में डालते हैं. देखने को तो रहता है कि अच्छा इसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटियां है, लेकिन उसका डोज इतना कम होता है कि वो आपको सफिशियंट रिजल्ट नहीं दे पाता. लेकिन अगर लिवगेन की बात करें, इसमें जो भी जड़ी बूटियां डाली जाती है वो प्रॉपर अमाउंट में डाली जाती है, सफिशियंट डोज में डाली जाती है. इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे आते हैं जब आप किसी को ये प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी को आप देते हैं. किसको देना है, जिसको पेट में हमेशा गैस का प्रॉब्लम रहता है, खाना नहीं पच रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, पेट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पेट में गैस बन रहा है, जिसको हम ब्लॉटेड स्टमक भी कहते हैं, बहुत ज्यादा पेट में गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, इन सारे सिम्टम्स में आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं. देना कैसे, लिक्विड जो है, देखिए लिक्विड और कैप्सूल में कोई खास डिफरेंस नहीं है. लिक्विड मोस्टली बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे कैप्सूल नहीं खा सकते, और जो कैप्सूल्स है वो ट्रैवलिंग पर्पस या अडल्ट लोगों के लिए बनाया गया है. अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो आपको 1 to 2 टीस्पून लेना है. टीस्पून जब भी मैं बोलूं, याद रखिए छोटा चम्मच 5 ml, मतलब 2 चम्मच छोटा लेना है 10 ml नाश्ता करने के बाद और 10 ml रात में खाना खाने के बाद.
आपको साल भर नहीं लेना, कुछ लोग 6-6, 7-7 महीने लगातार लेते हैं, 3-4 महीने का, 3-4 हफ्ते काफी है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी बच्चे को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके लिवर को अच्छा रखने के लिए, तो 3-4 हफ्ते भी आप देंगे तो काम चल जाएगा। छोटा बच्चा है अगर, तो आप उसको 3-4 हफ्ते दीजिए। और अगर किसी को, छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उनको 1 महीने तक लगातार दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सुबह शाम आपको देना है, मतलब एक जो हमारी लिवरगेन की बॉटल है ना, 1 महीने में 3 लिक्विड की बॉटल जाएगी। जब भी किसी को कोई भी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दे माय डियर फ्रेंड, उनको हमेशा 40 दिन का डोज बनाकर ही दे, क्योंकि 40 दिन में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं, 1 बॉटल लिवरगेन का दे देते हैं। आप जब भी किसी को दे, 3-4 बॉटल लिवरगेन लिक्विड का दे, और अगर कैप्सूल्स दे दे तो कैप्सूल्स का तो एक ही जो बॉक्स है वो 1 महीने का डोज। तो ये चीज बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर उन्होंने 1 डब्बा लिया और उनको फिर आगे भी वो नहीं जा पाए या प्रोडक्ट नहीं ला पाए, तो उनको उतने अच्छे सफिशियंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी दीजिए 30-40 दिनों का डोज बनाकर दीजिए। कैप्सूल्स कैसे लेना है, सुबह कैप्सूल नाश्ता करने के बाद, रात में कैप्सूल खाना खाने के बाद लेना है, और खाना खाने के भी 15-20 मिनट के बाद आप ले सकते हैं। कितने साल के ऊपर के बच्चों को देना है, 8 साल। 8 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं ना, आप इसको एज अ प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। आज जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड, इस प्रोडक्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। आपके घर में जो भी लोग 8 साल के ऊपर हैं, लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको एज अ प्रिकॉशन इस प्रोडक्ट का लीजिए, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। किसको नहीं देना,